हेतु को 300 ब्रांडों प्रदर्शकों हेतु बड़ा विशाल मंच उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड बना रहा है। आज का सत्संग तो बहुत ही अद्भुत सत्संग है। देवी माँ का और राम का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर और इसका इतना आनंद आया। आरती में तो खास विशेष आनंद आ गया। तो ये सब अपने भारतवर्ष में ये सब करते रहते हैं लोग, नवरात्रि में तो खास करते हैं। ये बहुत अच्छा नवरात्र का है इस साल में, आगे भी हिंदुस्तान में अच्छा ही होगा। बढ़िया पूजा जी और कुणाल भैया ये फिल्म एक्टर है, अभी ये पॉपुलर होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, हो गए हैं, तो इनका नाम ऊंचा हो और ये सक्सेस प्राप्त करे। वो सक्सेस तो आनी ही है, हमारे हमारा सत्संग जहाँ पर हो गया वहाँ सक्सेस तो आनी ही है। तो इनको भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा करते रहे, काम करते रहे, भगवान का अपने परिवार का ध्यान रखें और अच्छे कला दिखाएं। अपने एकदम अच्छे से अच्छा जो पार्ट होता है, एक्टिंग होती है अच्छे से निभाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग पहली बार ही पूजा जो है हमने शुरू किया है करना, और हमने सोचा था कि इतना पावन अवसर पर अगर हम गुरु जी का सत्संग पाठ करा सके, थोड़ा भजन कीर्तन करें, जितने भी पुण्य का काम हो सके हम सोच रहे हैं कि करेंगे, पर ऐसा सोचा नहीं था कि सच में हो पाएगा। हम रोज भंडारा सोचे थे कराएंगे, वो भी जो पहले दिन थोड़े लोग कम आए थे तो थोड़े दुखी हो गए थे कि ज़्यादा शायद किसी को पता नहीं आ नहीं रहे, बट भगवान के आशीर्वाद से माता जी की कृपा से दूसरे दिन से खाना कम करने लगा, इतने लोग आए हैं
और मैं ये सोच रही हूँ कि जितना हो सके हम गुरु जी के सिखाए हुए रास्ते पे चले और अच्छाई हमसे हो सके, उतना से हम उनसे बन पड़े। और आज हमारे परम सौभाग्य की गुरु जी रंग बना रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का जो उन्होंने इतना शोभा बढ़ाया और हमें इतना आशीर्वाद दिया, और इनकी कृपा रहेगी, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो हम जीवन में भी शांत ही रहते हैं। आज के ये प्रोग्राम जो इतना सक्सेस हुआ है इसके पीछे पूजा बेटी के का मेन आशीर्वाद है और इनको सफलता सहित से प्राप्त हुआ है। हमने एक्चुअली कल्पना ही नहीं की थी, पर थैंक्स टू विनीत भैया क्योंकि हम गए थे अमृतधाम, गुरु जी को इनवाइट करने के लिए गए थे कि हमारे दुर्गा पूजा में वहाँ आए दर्शन के लिए, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इनका यहाँ पे हम सत्संग पाठ करा पाएंगे। पर जब हम विनीत भैया से मिले और वो आके उन्होंने ये देखा, माता जी के दर्शन किए, तब उन्होंने हमें कहा कि आप दशहरा दी है आज सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, तो दशहरे के दिन अगर गुरु जी का पाठ करवा सके इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है। और हमने कहा मतलब हमारे तो भाग खुल गए हैं, तो हम बहुत खुश हैं और इससे ज़्यादा क्या मैं गुरु जी को करीब 15 से 16 साल से जानता हूँ। जब हमारा पहला शो शुरू हुआ था स्टार प्लस पे निर्वाण पूजा का, तो हम मिलने गए थे, मेरी मम्मी ने बोला कि चलते हैं गुरु जी से मिल के आते हैं, तो हम अमोक धाम गए थे। और तब से लेकर आज का वो दिन है, आप देख सकते हैं 16 से 17 साल हो चुके हैं और ये जो कनेक्शन है और ये मेरा कर्मा है इसलिए गुरुजी हमारे साथ हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू दिल से गुरुजी कि आप यहाँ आए, और मेरी मम्मी मेरी माता जी का जो सपना था वो आज पूरा होता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे स्टार्ट में गुरुजी ने कहा था कि सपने देखने चाहिए वो कभी ना कभी सच हो जाते हैं, तो आज वही हुआ है। और आई थिंक ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो दुर्गा माँ है, हमारी जो माँ है, और आज मेरी माँ का भी सपना उन्होंने ही सच किया है, तो मैं क्या ही कहूँ, और वो भी इनके जरिए। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, जय माता दी, जय माता दुर्गा, और आप सभी को हैप्पी दशहरा, जय श्री सबको हमारी तरफ से दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता, थैंक यू। कंक्रीट और निर्माण उद्योग के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली आयोजनों में से एक वर्ल्ड